विधानसभा का घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें करीब 10 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं एएसपी सहित 5 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। मामले को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार व प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। विधानसभा परिसर के बाहर पत्थरबाजी हो गई। इसी बीच पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज व पत्थरबाजी में युवा कांग्रेस के 10 और एएसपी सहित 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कांग्रेस युवक के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई है, जिसके बाद माहौल बिगड़ा। वहीं पुलिस का कहना है कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी शुरू की है, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर होने के लिए पानी की बौछारें भी छोड़ी गई, जिसके बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 1.5 घंटा जाम लगा रहा, जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी डिमांड है, आप पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, हम जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ और केंद्र सरकार की जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ। हमने आगाज किया था नौराधार के अंदर से महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, और यूथ कांग्रेस के साथियों पर झूठे मुकदमे बनाए पुलिस प्रशासन ने। वो मुकदमे कैसे, जिस दिन प्रदर्शन होता है उस दिन नहीं बनाए, 2 दिन बाद बीजेपी का कोई एजेंट और वहां पुलिस थाने में कोई आरएसएस का दलाल पुलिस वाला फिर एफआईआर 2 दिन के बाद लॉन्च करता है। ऐसा शर्म आनी चाहिए इन पुलिस वालों को, इनको मैं जगाना चाहता हूँ, इनके जमीर को जगाना चाहता हूँ। इनको अगर ये वर्दी दी है तो संविधान ने दी है, नरेंद्र मोदी आरएसएस और जयराम ठाकुर ने नहीं दी है। शर्म करो, महंगाई आपके लिए भी है, बेरोजगार आपके भी बच्चे हैं, आपको भी जानना पड़ रहा है, लेकिन किसी हद में रहकर कहते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ। प्रेस वालों के सामने आप, हमारे सोशल मीडिया के लोगों के पास वीडियो है, आपके पास वीडियो है, ये डीसी साहब और एसपी साहब जो आरएसएस की दलाली कर रहे हैं, और यहाँ पर जो बैठे हैं ये आरएसएस का दलाल जो यहाँ पर बैठाए हुए हैं, ऐसे दलालों को पूरे प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर कर नंगा करेगी। आगे ये छोड़े, और जो हमारी डिमांड, जो ज्ञापन हमने विधानसभा स्तर पर हर एक जिला में जो दिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनीष जी, हमारी आज अगर विधानसभा का जो एक्सट्रीम स्टेप घेराव का हमें लेना पड़ा, हमें इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जो रोजगार बेरोजगारी फैल रही है, युवाओं के हक को छीना जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, इसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। हमारी तो सिर्फ इतनी मांगे है, उस नशे के गिरफ्त में इनके बच्चे भी आ सकते हैं, बेरोजगार इनके बच्चे भी हो सकते हैं, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने लोग घायल हुए हैं आपकी तरफ से? सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास, हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वीडियो फुटेज है, पुलिस वालों की ओर से पथराव हुआ, ठीक है, 2 महिला घायल है और 10-12 लड़के जिनके सिर पट्टे हैं वो हॉस्पिटलाइज हमें पहुंचाए। मेरे भी डंडे मेरे सिर पे लगे हैं, लेकिन चलो ये चलता रहता है, ये जुल्म करे, डंडे मारे, अंदर भेजे, जेलों में भेजे, इनकी जेलें कम पड़ जाएगी, इनकी जेलें कम पड़ जाएगी। हम तैयार है, लेकिन हम अपने आंदोलन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, एक विचारधारा की दोनों जगह सरकार है, उसके खिलाफ हम, हमारे प्रभारी, हमारे यूथ कांग्रेस के साथ ही हमारी बहनें लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है।